नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच पीएम मोदी सीएसआईआर की एक बैठक में शामिल हुए। सीएसआईआर की बैठक में पीएम ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी के सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में अब कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से कोरोना से निपटने में लगी है। वहीं पीएम मोदी भी इस पूरी महामारी के दौरान एक्शन में नजर आ रहे हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम मोदी देश को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार देश को अलग अलग विषयों पर संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएसआईआर की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, विज्ञान ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। किसी भी देश में साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है जितना बेहतर उसका इंडस्ट्री से मार्केट से संबंध होता है। पीएम मोदी ने सीएसआईआर के बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारे देश में सीएसआईआर साइंस सोसाइटी और इंडस्ट्री की इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक संस्था विषय व्यवस्था का काम करता है। प्रधानमंत्री ने इसके योगदानों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी इस संस्था ने देश को कितनी ही प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत टिकाऊ विकास और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कैसे आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट्स तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं और दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। आज एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, आपदा प्रबंधन से रक्षा तकनीक तक, वैक्सीन से वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजीज तक देश हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। बता दें कि सीएसआईआर सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इसे देश भर के 37 लैब और 39 केंद्रों से संचालित किया जाता है। हर साल सोसाइटी की बैठक होती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, वैक्सीन से वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजीज तक हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।